I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. रैम्बो बचा पाएगा अपनी बेटी को पार्ट टू. क्या रैम्बो बचा पाएगा अपनी बेटी को? रैम्बो और सुप्रिया कैसे करेंगे खुद को निर्दोष साबित? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सुना कि रैम्बो और सुप्रिया को फेक मर्डर्स के लिए फ्रेम किया जा रहा है. रैम्बो को समंता के बारे में पता चलता है जो शायद उसकी बेटी हो सकती है. ये तीनों फाहिम नाम के आदमी को ढूंढने निकलते हैं. अब जानते हैं आगे क्या होगा. रैम्बो और सुप्रिया को खंडर हो चुके वेयर हाउस में फाहिम ड्रग के नशे की हालत में मिलता है. उन्हें पता चलता है कि फाहिम पैरासोर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जो पैसों के लिए मर्डर को कवर अप या फिर उन मर्डर्स के लिए किसी और को फंसाने का काम करती है. रैम्बो सुप्रिया के फ्रेंड कैप्टन रमन से कॉन्टेक्ट करता है और उसे फाहिम को हिरासत में लेने के लिए कहता है, लेकिन उनके ऊपर पैरासोर्स के कुछ आदमी हमला कर देते हैं जिसमें फहीम की डेथ हो जाती है, जबकि रैम्बो घायल हो चुके रमन को वहां से बाहर निकालता है. समंथा चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड से खाने का सामान खरीदती है जिससे उसका पता पैरासोर्स के हेड जॉन को चल जाता है और वो विकी को समंथा को पकड़ने के लिए भेजता है. विकी अपने कुछ आदमियों के साथ समंथा का पीछा करता है ताकि जब रैम्बो समंथा को बचाने आए तो वो उसे पकड़ सके. सुप्रिया समंथा को पकड़ने आए उस असैसिन को मार देती है, जबकि रैम्बो भी एक असैसिन को मार देता है. समंथा भागते भागते एक बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है. विकी उसे छत पर पकड़ लेता है, लेकिन जब रैम्बो वहां पर पहुंचता है तब समंथा उसकी पकड़ से भाग जाती है. रैम्बो और विकी के बीच एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है. फाइट के एंड में रैम्बो विकी का आर्म, पैर और गर्दन ब्रेक कर देता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है. जॉन को कैप्टन रमन अरेस्ट कर लेता है और मेजर सुप्रिया को उनकी ड्यूटी पर फिर से बहाल कर दिया जाता है. रैम्बो सुप्रिया से कांटेक्ट में रहने का वादा करके समंथा से डिनर पर मिलने चला जाता है. वो समंथा से कहता है कि अगर वो उसकी माँ को जानता होगा तो उन्हें देखकर पहचान लेगा. समंथा बताती है कि वो वेट्रेस हमें खाना सर्व कर रही है वही उसकी माँ है, और क्योंकि रैम्बो और उसकी माँ ने एक दूसरे को नहीं पहचाना इसका मतलब है कि रैम्बो उसका पिता नहीं हो सकता है. रैम्बो और समंथा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. जब रैम्बो रोड के किनारे चल रहा होता है तभी उसकी पॉकेट में एक बड़ा फोन वाइब्रेट होता है और जिसे समंथा ने चुपके से रख दिया था. उसे समंथा का एक मैसेज मिलता है, मुझे याद किया. रैम्बो स्माइल करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है. तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.